पुलिस की मिसाल तो हर कोई देता है। पुलिस 24 घंटे लोगों की मदद के लिए आगे आती है, लेकिन कई बार पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए ऐसा काम करते हैं कि जो हमारे दिल को छू जाता है। नवी मुंबई स्थित कोपरखैरनी रेल स्थानक और सानपाड़ा के रेल स्थानक पर कुछ लावारिस बुजुर्ग महिलाएं कई दिनों से घूम रही थी। पुलिस ने इन बुजुर्ग महिलाओं को स्टेशन के परिसर में घूमते हुए देखा। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही इन बेसहारा महिलाओं की मदद की। लोहमार्ग पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी कटारे को वाशी लोहमार्ग पुलिस थाना ने महिला और बाल कल्याण समिति को संपर्क करके इन लावारिस मिली तीनों बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल करने के लिए उन्हें मीरा रोड की एक संस्था को सौंप दिया। रेलवे पुलिस स्टेशन के अंदर जो कोपरखैरनी रेलवे पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कल 5/7/2023 को 1 बजे के दरमियान एक महिला वयोवृद्ध महिला मिली थी। अपने पेट्रोलिंग स्टाफ जो ASI कोटेकर थे उनको देखी तो वो अकेली थी बैठ के, उसके पास उन्होंने थोड़ी चौकसी की तो वो अकेली थी और वो इतना ही बोल रही थी कि उसका नाम होता नारापन्नामा यलप्पा बोमम, वही 70 वर्ष जूना बस डेपो करतुल तहसील करनौल राज्य का आंध्र प्रदेश, इतना बोलती थी। वो बोलती थी मैं उसके रिश्तेदार उधर हुआ है, मुझे गाड़ी बिठा के दो, मैं वहाँ जाऊँगी। आपको बता दे कि ये महिला अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए लोगों से भीख मांगा करती थी। बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो ऐसा काम करती है। इस घटना के बाद हर कोई पुलिस की तारीफ कर रहा है। पुलिस ने अगर ऐन वक्त पर इन महिलाओं की मदद ना की होती तो शायद आज भी ये महिलाएं लावारिस हालत में ही अपने बुढ़ापे में लोगों से भीख मांगती। मेट्रो मुंबई के लिए संवाददाता विनोद कांबले के साथ अक्षता पवार की रिपोर्ट।